आ रहा है आपका अपना बींग स्ट्रॉन्ग क्लासिक, नया स्टाइल और नया तरीके से। आज वो सपना पूरा हुआ गाइस, एंड दिस इज लाइक यू नो अ ड्रीम कम ट्रू। वेलकम बैक टू बॉडी बिल्डिंग टीवी गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका बॉडी बिल्डिंग टीवी पे। तो सलमान खान ने क्या किया खुलासा, किस चीज़ के बारे में वो बता रहे हैं, वीडियो के आखिर में जरूर देखिएगा दोस्तों। और साथ ही तरुण गिल क्यों बोल रहे हैं कि अभी उनको मिला एथलीट का स्टेटस, काफ़ी सारे फिटनेस फिजिक अपडेट्स लेके आए हो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपके लिए। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और फिर बताइएगा मुझे वीडियो कैसा लगा। शुरुआत करेंगे जर्मी पोटविन के साथ। तो जर्मी पोटविन की जो ट्राइसेप इंजरी हुई थी वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, एक माइनर इंजरी थी, और फिर से वो तैयार हो चुके हैं अपने प्रेप के लिए, वर्कआउट के लिए, तैयारी के लिए अपने कंपटीशन की दोस्तों। बट कौन सा कंपटीशन खेलने वाले हैं अभी तक रिवील उन्होंने नहीं किया है, बस इतना ही पता है कि क्लासिक फिजिक डिवीजन में भाई साहब खेलने वाले हैं। काफ़ी दिनों से उन्होंने इस बात को घोषणा कर करके और हमने भी हर वीडियो में इसको बोल बोल के थक गए हैं, बस अब देखना है कि किस कॉम्पिटिशन में वो कम्पीट करते हैं। स्पेशली उनका जो फ्रंट डबल बाइसेप का पोज है क्लासिक फिजिक काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, काफ़ी प्रोपोर्शनल और सिमेट्रिकल उन्होंने अपनी बॉडी बना ली है, तो फ्यूचर उनका काफ़ी ब्राइट लगता है मुझे क्लासिक फिजिक में। तो ये था जर्मी पोटविन भाई साहब का फिजिक अपडेट। अब बात करेंगे रवि पवार की। तो इनकी फिजिक देखने के बाद एक वर्ड निकलता है वाव, कंप्लीट फिजिक, एक नंबर कंडीशन दोस्तों, हर तरह से कंडीशन दिखाई दे रहे, चेस्ट में फाइबर्स, स्ट्राइटेड बॉडी, वी टेपर कमाल की। इनकी इतनी तगड़ी फिजिक देख के ऐसा लगता है कि शायद सेकंड कैटेगरी वाला जो प्रो कार्ड है शायद ये लेके जाए, या फिर पता नहीं, बट बहुत तगड़ी फिजिक लग रही है दोस्तों। हाँ आपको पता है इंस्टाग्राम पे हर कोई अच्छा लगता ही है, बट काफ़ी ज़्यादा क्लियर उनकी फिजिक दिखाई दे रही है इसमें, और काफ़ी ज़्यादा कंडीशन अभी है। और ये जो पोस्ट है, ये जो वीडियो, ये फोटो है, ये उनका लास्ट अपडेट है शेरू क्लासिक प्रेप का, और अब ये स्टेज पे ही दिखाई देंगी इनकी फिजिक, आपको देखने को मिलेगी स्टेज पे ही। बट 100 to 100 मार्क्स दोस्तों इनकी फिजिक को, किसी भी तरह से लैक नहीं करती है फिजिक, हर तरह से परफेक्ट है, बस अब देखना है कि स्टेज पे आने के बाद कैसे दिखेंगे। इनकी तगड़ी फिजिक को देख के दोस्तों आपको क्या लगता है कि इनको प्रो कार्ड मिलेगा या नहीं? हर जो भी एथलीट का मैं अपडेट दे रहा हूँ सबको लगता, मुझको लगता है प्रो कार्ड मिलेगा, प्रो कार्ड मिलेगा, बस अब कॉम्पिटिशन में देखना है किसको प्रो कार्ड मिलेगा। बट इनके फिजिक के लिए एक लाइक तो बनेगा दोस्तों। अब बात करेंगे हमारे सिद्धांत जायसवाल सर की, और मुझे लगता है कि इनको भी प्रो कार्ड मिलेगा। मुझे लगता है इस प्रेप के, इस कंपटीशन की वीडियोस बनाते बनाते मैं ये पागल हो रहा हूँ। बट सच कहूँ तो सबसे ज़्यादा मसल मास वाले और सबसे ज़्यादा हार्ड लुक वाले अगर एथलीट है तो वो है सिद्धांत जायसवाल। आप देख सकते हैं चेस्ट में फाइबर्स है, शोल्डर की साइज़ देखो दोस्तों, कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है। अभी चार पाँच दिन पहले की ये फ़ोटो है शायद उनकी, और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े लग रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस फिजिक के साथ और अच्छी कंडीशन के साथ ये अगर स्टेज पर आते हैं तो इनको एक प्रो कार्ड तो मिलेगा दोस्तों, और मैं स्पेशली चाहता हूँ कि इनको एक प्रो कार्ड मिले क्योंकि ये डिजर्विंग एथलीट है प्रो कार्ड के दोस्तों। इनकी फिजिक आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। तो दोस्तों हम अब बात करेंगे सलमान खान की, कि कौन से कंपटीशन के बारे में उन्होंने कहा। तो हो रहा है बीइंग स्ट्रॉन्ग क्लासिक, ये एक कंपटीशन हो रहा है दोस्तों, ये पहले भी हो चुका है, इसकी डिटेल में आगे बताऊंगा, पहले आप देख लीजिए सलमान खान ने इस वीडियो में क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज सलमान खान। आ रहा है आपका अपना बीइंग स्ट्रॉन्ग क्लासिक, नया स्टाइल और नया तरीके से। विजिट आवर बीइंग स्ट्रॉन्ग केज ऑन द 3rd, 4th and 5th of December, नथिंग बेटर देन बीइंग स्ट्रॉन्ग मेंटली एंड फिजिकली। तो दोस्तों ये कंपटीशन पहले भी हो चुका है जेराई क्लासिक के नाम से दोस्तों, और इस बार इसका नाम बदल के हो चुका है बीइंग स्ट्रॉन्ग क्लासिक। और ये कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा और बिगेस्ट कंपटीशन इंडिया में रहने वाले कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा बड़ा कंपटीशन है दोस्तों, और इसको जेराई फिटनेस कराते थे जेराई क्लासिक नाम से, अब ये बीइंग स्ट्रॉन्ग क्लासिक होने वाला है। और सलमान खान का कहना है कि ये कंपटीशन पहले से भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है और शायद इंडिया का सबसे बड़ा भी कंपटीशन हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़े दिग्गज एथलीट्स आते हैं जैसे शेरू क्लासिक में आ रहे हैं, और जो इसका जो क्या कहते हैं प्रोडक्शन होता है काफ़ी ज़्यादा बिग और ह्यूज होता है दोस्तों। पर ये कंपटीशन होगा 2022 में, तो आप क्या आप इंतज़ार करोगे इस कंपटीशन का दोस्तों, या आप एक्साइटेड हो इस कंपटीशन के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। और आप बात करेंगे हमारे बेस्ट बेस्ट एथलीट तरुण गिल सर के बारे में। तो तरुण गिल अभी उन्होंने कहा कि अभी जाके एक स्टेटस मिला उनको एथलीट का, क्योंकि जो चीज़ें एक एथलीट प्रोफेशनल एथलीट बनने के बाद उस एथलीट को जो चीज़ें मिलती है और जिस तरह की इज्जत मिलती है, जिस तरह के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं दोस्तों, उसमें से एक प्रोजेक्ट मिला उनको। उनका ये वीडियो देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। मुझे एक गिफ्ट मिला है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ।
वो ये कि फाइनली मेरा पहला एथलीट वीडियो रिलीज हो रहा है भाई, पहला। सो गाइस, ये आपको याद है हमने एक वीडियो करा था जिसमें एक मसल में शूट कर रहा था और हम अपना तो ब्लॉगिंग कर ही रहे थे आपके साथ, तो वो वीडियो रिलीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ वो 30 सेकंड का माय लाइफ फर्स्ट वीडियो एज एन एथलीट। मेरी लाइफ लॉन्ग ड्रीम होती थी भाई। मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा बिग मसल वालों को कि उन्होंने एक इंसान की मेहनत को समझा और समझ के इतना अप्रिशिएट किया। थैंक्स, आगे से मैं भी बिग मसल तो गाइस आप समझ रहे हो व्हाट दैट मीन्स कि आज से 6 महीने पहले 5 महीने पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी ऐसा वीडियो बनाऊंगा। एथलीट या कोई मेरा ऐसा वीडियो बनाएगा ऐसा एथलीट, मैं सिर्फ देखता था मैं, और आज वो सपना पूरा हुआ गाइस। एंड दिस इज लाइक यू नो अ ड्रीम कम ट्रू। मैं देखता था कि भाई देख रहे हो अ जर्नी फ्रॉम एन इन्फ्लुएंसर टू एन एथलीट। अब मैं दोनों इन्फ्लुएंसर भी हूँ और एथलीट भी, तो आप समझ सकते हो गाइस ये पॉसिबल तभी हुआ आपके प्यार की वजह से, आपने जितना सपोर्ट करा पूरी जर्नी में गाइस। मैं बिकॉज क्या बताऊँ यार कि इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू यार, ड्रीम कम ट्रू। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा एंड मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, हार लो तो जीत, मान लो तो हार। बस यही है गाइस, ये इस पूरे जर्नी की मेरी लर्निंग है। हार लो यार, सब कुछ पॉसिबल है। आप वो वीडियो देखो एंड लेट मी नो हाउ यू लाइक इट। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू तरुण गिल, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए दोस्तों। और इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।